अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैथड चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, इफ़ ए एंड बी, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, और वो क्या है, सिमेट्रिक है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, और आपने साबित करना है ए और बी सिमेट्रिक है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। जब भी ये लफ्ज आएगा इफ एंड ओनली इफ, आपने एक चीज को सपोज करना है और दूसरी को प्रूफ करना है, फिर दूसरी को सपोज करना है और पहली को प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को समझना है आपने, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। मैं एक चीज को सपोज कर रहा हूँ, मेरे पास गिवन है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये बात बताई, ये ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो गिवन ए सिमेट्रिक, ए के सिमेट्रिक होने से क्या मुराद है कि इसका ट्रांसपोज लें तो आंसर क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा ए, और बी के सिमेट्रिक होने से मुराद बी का ट्रांसपोज लें और आंसर क्या आना चाहिए, बी। ए सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी सिमेट्रिक, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सपोज ए एंड बी कम्यूट, आपने क्या सपोज किया है, ये वाली चीज ए एंड बी क्या कर रही है, कम्यूट कर रही है। कम्यूट से मुराद ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, ए बी इज इक्वल टू बी ए, आपस में इक्वल है, मीन ये कम्यूट कर रहा है। आपने शो क्या करना है, वी हैव टू शो, हमें ये शो करना है ए बी इज सिमेट्रिक। आपने सपोज गिवन जो चीज थी उसका ट्रांसपोज लिया क्योंकि वो सिमेट्रिक था, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, और आपने सपोज किया ए एंड बी कम्यूट, कम्यूट से मुराद है ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमें शो क्या करना है, ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी का ट्रांसपोज ले और आंसर दोबारा क्या आए, ए बी आए। तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का होल का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये बात गिवन है। जो बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी के, तो मैं यहाँ पे बी लिख सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन 2, और ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी ए। और ऑल्सो ये भी गिवन है ए एंड बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो मैं बी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी। तो हेंस प्रूफ ए बी इज सिमेट्रिक, तो ये साबित हुआ ए बी क्या है, सिमेट्रिक। अब आपने इसका कन्वर्सली करना है, कन्वर्सली में पहले आपने सपोज किया था ए एंड बी कम्यूट कर रहे हैं और ये प्रूफ किया था ए बी सिमेट्रिक है, अब ए बी को हम सपोज करेंगे ए बी सिमेट्रिक है और प्रूफ क्या करेंगे, ए एंड बी कम्यूट, ए एंड बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो कन्वर्सली सपोज ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी के सिमेट्रिक होने से क्या हो रहा है, ए बी का ट्रांसपोज ले और आंसर दोबारा क्या आ जाए, ए बी आ जाए। और शो हमें क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मीन्स ए बी क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। तो यहाँ इक्वेशन स्टार को हम इम्प्लाइज करते हैं ए बी के, जो आपने सपोज किया था ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, जब इसको ओपन करेंगे ए बी ट्रांसपोज को, तो आपके पास आएगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ए बी आगे से बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो बी इज इक्वल टू ए बी, तो हेंस ए एंड बी कम्यूट। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, इफ ए इज एन एम क्रॉस एन सिमेट्रिक एंड CQ symmetric and B is N M cross N metric. Prove that B is equal to B का transpose A, B is symmetric and CQ symmetric. वो कहता है कि अगर A जो है वो symmetric है और A क्या है, CQ symmetric है, तो आपने ये बात prove करनी है, अगर A symmetric है और A CQ symmetric है तो जो B होगा, जो B की value given है, ये जो B given है ये symmetric और CQ symmetric है। तो इसके लिए गिवन आपके पास है ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक कब होगा, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये गिवन है। आपने शो ये करना है, वी हैव टू शो बी इज सिमेट्रिक। बी सिमेट्रिक कब होगा, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले आंसर दोबारा क्या आ जाए, बी आ जाए। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में जो बी की वैल्यू गिवन थी वो वैल्यूज आपने पुट कर दी है, बी की वैल्यूज गिवन है, बी का ट्रांसपोज ए और बी होल का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज को ओपन करते तो क्या आएगा, लास्ट का ट्रांसपोज इनटू सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। ये मैंने ट्रांसपोज को ओपन किया, पी का ट्रांसपोज सेम, ए का ट्रांसपोज सेम, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, दोबारा वही मैट्रिक्स आएगा, तो पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी आ गया। तो ये पी का ट्रांसपोज सेम, ए सेम, पी सेम,
अब ये जो ए का ट्रांसपोज है इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ ए, क्योंकि ये बात गिवन है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है यूजिंग इक्वेशन वन। ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल आई है, बी के इक्वल आई है। तो ये क्या चीज आपके पास, राइट हैंड साइड, तो बी इज सिमेट्रिक, ये यहां से साबित होगा। नेक्स्ट, अब आपने सपोज करना है कि पहले तो आपने सपोज किया ए सिमेट्रिक है, अब आप सपोज करेंगे ए सी क्यू सिमेट्रिक है। तो ये मैंने सपोज किया ए इज सी क्यू सिमेट्रिक, सी क्यू सिमेट्रिक से क्या मुराद है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे, जवाब दोबारा वही मैट्रिक्स आए लेकिन माइनस के साथ है। तो अब हमें शो ये करना है बी इज सी क्यू सिमेट्रिक, बी सी क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब बी का ट्रांसपोज ले और आंसर क्या है माइनस बी। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में बी का ट्रांसपोज, बी की वैल्यू उसको पुट किया, बी की वैल्यू उसको पुट करने के बाद और का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज को अप्लाई करें, थर्ड का ट्रांसपोज, सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। हम जानते हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, पी होगा, पी का ट्रांसपोज सेम, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, जो बात गिवन थी वो सी क्यू सिमेट्रिक था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, माइनस को कॉमन निकाल लें, ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल है, बी के, तो ये क्या आ गया माइनस बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो बी इज सी क्यू सिमेट्रिक। नाउ 14 क्वेश्चन, शो दैट ए और ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इनटू ए आर सिमेट्रिक। तो मैंने कहा लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने शो ये करना है ए और ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब ए और ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब होगा, जब आप उसका ट्रांसपोज लें और जवाब दोबारा वही चीज आ जाए। तो ये मैंने ट्रांसपोज लिया इसका और यहाँ पे इक्वल में दोबारा वही चीज लिखी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज है, होल का ट्रांसपोज को ओपन कैसे करना है, सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज, ये सेकंड का ट्रांसपोज, ये फर्स्ट का ट्रांसपोज। हम जानते हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा, ए का ट्रांसपोज सेम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली आपने प्रूव ये करने हैं ए का ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो सिमेट्रिक है, पहले ए इनटू ए का ट्रांसपोज था, अब ए का ट्रांसपोज इनटू ए सिमेट्रिक है। ये लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज ए और होल का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को अप्लाई किया, ए का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज सेम आ जाएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए इज इक्वल टू राइट।